उस बोर्ड पर जो लिखा था उसे वो मिटा देता है और उसकी जगह पर और कुछ लिख देता है। अब आनंद कुछ पैसे उस डिब्बे में रखता है और ऑफिस की ओर बढ़ता है। आनंद ने उस बोर्ड पर से किया लिखा हुआ मिटाया और उसकी जगह किया लिखा जानते हैं आगे, बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं तब हमारी जिंदगी भी बदल जाती है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ 1% ही होता है, बाकी 99% तो हम जो हुआ है उसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि हमारा रिएक्शन ही होता है। सोच से ही सब कुछ शुरू होता है। हमारे विचार ही हमारे जीवन की घटनाएं और परिस्थितियां निर्धारित करते हैं। इसलिए अच्छा सोचने और नकारात्मक चिंतन से बचने की सलाह दी जाती है। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर सोचते रहते हैं। आज एक कहानी से जानते हैं कि सोचने के तरीके से जीवन में क्या फर्क पड़ता है। एक लड़का था जो देख नहीं सकता था। ये लड़का भीख मांगकर अपना जीवन गुजारता था। एक दिन ये अंधा लड़का हर रोज की तरह एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे बैठकर भीख मांग रहा था। उसी समय वहां से एक आनंद नाम का लड़का गुजरता है और इस अंधे लड़के को भीख मांगता हुआ देखता है। आनंद उसी बिल्डिंग में एक ऑफिस में काम करता था। जब आनंद ने देखा कि ये लड़का भीख मांग रहा है तो वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंचता है। आनंद वहां जाकर देखता है कि इस लड़के के पास एक डिब्बा है और उस डिब्बे में थोड़े सिक्के भी है। कुछ लोग आते हैं, इस लड़के को पैसे देते हैं और कुछ लोग उसे बस देखकर ही चले जाते हैं। आनंद ने ये भी देखा कि इस लड़के के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये सब देखकर आनंद अब ये सोचने लगा कि इस दुनिया में भी बड़े कमाल के लोग हैं। जिसे मदद की जरूरत है उसको कोई मदद नहीं करता है। उस बोर्ड पर जो लिखा था उसे वो मिटा देता है और उसकी जगह पर और कुछ लिख देता है। अब आनंद कुछ पैसे उस डिब्बे में रखता है और ऑफिस की ओर बढ़ता है। फिर आनंद ऑफिस पहुंचता है और हर रोज की तरह अपना काम करता है। शाम को जब वो ऑफिस से अपने घर जाने के लिए निकलता है तभी उसे वो अंधा लड़का याद आता है। वो ये सोचता है कि मैं एक बार घर जाने से पहले उस लड़के को देख लूं। मेरे लिखने की वजह से उसके जीवन में कोई बदलाव आया है कि नहीं। वो अब उस अंधे लड़के के पास जाता है। उसके पहुंचते ही वो लड़का खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि भैया, मैंने आपको आपकी आने की आहट से ही पहचान लिया। आप वही है जो सुबह आए थे और मेरे इस बोर्ड पर कुछ लिख कर गए थे। मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्या लिखा था मेरे बोर्ड पर कि जो भी यहाँ से गुजरता है वो मुझे कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। आनंद ने कहा कि मैंने जो तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था उसे मिटा दिया था। तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैंने उसको मिटा दिया और ये लिख दिया कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है लेकिन मैं देख नहीं सकता हूँ। हम ये बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि पहले जो लिखा था और बाद में आनंद ने जो लिखा उसमें काफी अंतर था। आनंद ने जो कुछ भी लिखा था वो एक नई सोच थी और ये लाइन पढ़ने वालों में भी पॉजिटिविटी फैला रही थी, इसलिए लोग इस लड़के को कुछ ना कुछ जरूर देकर ही जाते थे। यदि अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदल डालिए। आपके विचारों में होती है असीमित शक्ति। अगर हम हमारे सोचने का तरीका बदल देते हैं तो हमारी जिंदगी भी बदल जाती है। हम आशा करते हैं कि हमारी कहानी से आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी कहानी। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहे, अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।